वो खिलाड़ी जिसने अफ्रीकी क्रिकेट को गौरवान्वित करने का काम किया, दक्षिण अफ्रीका को अंडर 19 विश्व कप दिलाने वाला कप्तान, दक्षिण अफ्रीका की T20 लीग के पहले सीजन का चैंपियन कप्तान, पहले 3 टेस्ट में 2 शतक लगाने वाला दक्षिण अफ्रीका का पहला बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीका को मिला भविष्य का नया और जाबाज कप्तान। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट लगभग 145 सालों से चल रहा है। एक मुसाफिर जिसने अपने इतने लंबे सफ़र में बहुत से अच्छे और बुरे दौर गुजरते देखे, बहुत से सिलसिलों का साक्षी रहा, बहुत से लोगों को आते हुए देखा और बीच से विदा होते हुए भी देखा, और बहुत सी ऐसी घटनाएं महसूस की जिसने किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। क्रिकेट की एक ऐसी टीम जिसका सफ़र बहुत बुरा रहा, जिसने वजूद में आने से पहले ही खुद के वजूद ही मिटा दिए, और जब वापसी की तो अपने पर लगे सबसे बड़े दाग को आज तक मिटा नहीं पाई। आज से तकरीबन 30 साल पहले इस टीम को चोकर्स का तमगा मिला, जो आज तक इस टीम के नाम बरकरार है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे आखिर हम किस टीम की बात कर रहे हैं। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका की। और जाहिर सी बात है, बात अगर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट की हुई है तो उसी टीम के एक खिलाड़ी की ही चर्चा हम करने वाले हैं। दोस्तों, शाहरुख खान का एक बड़ा ही फेमस डायलॉग है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन क्रिकेट के गलियारों में जीत कर हार जाने वाले को चोकर्स कहते हैं। और ये उपाधि फिलहाल दक्षिण अफ्रीका से कोई नहीं छीन सकता। ICC के बड़े टूर्नामेंट में जब ये टीम पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त प्रदर्शन करने के बावजूद अहम मैचों में हारती है तो बड़ा अटपटा सा लगता है। यह जानते हुए कि इस टीम के पास एबी डिविलियर्स, जैक कैलिस, डेल स्टेन, फैब डुप्लेसी, हाशिम आमला, ग्रीम स्मिथ, डेविड मिलर जैसे धुरंधर खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी टीम ICC इवेंट जीतने में असफल ही रहती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश चक दे क्लिक्स, और अपने इस अंक में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने साल 2014 में न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी बल्कि अपनी कप्तानी से भी सबका दिल जीत लिया। महज 19 साल की छोटी सी उम्र में दक्षिण अफ्रीका को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में सफल रहा, और एबी डिविलियर्स, हाशिम आमला जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़कर ICC अंडर 19 विश्व कप अपने नाम कर लिया। हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के स्टाइलिश और एग्रेसिव बैट्समैन एडन माक्रम की, क्योंकि आजकल ये क्रिकेट की दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। माक्रम जिस तरह से क्रिकेट जगत में तेजी के साथ सुर्खियां बटोर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि ये खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करता नजर आएगा। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में इसी खिलाड़ी के जीवन की चर्चा करने वाले हैं। जानेंगे कि आखिर कैसे एडन माक्रम ने क्रिकेट इतिहास में जो खुशी दक्षिण अफ्रीका को दी, वो कोई और क्यों नहीं दे पाया। एडन काइल माक्रम का जन्म 4 अक्टूबर साल 1994 को दक्षिण अफ्रीका के सेंचुरियन शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम काइल माक्रम है और मां का नाम जीना माक्रम। माक्रम के परिवार में खेल का माहौल शुरू से ही रहा। माक्रम को 2 साल की बहुत छोटी सी उम्र में क्रिकेट महज तोहफे के रूप में मिली। माक्रम को क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल में भी अच्छी खासी दिलचस्पी रही। एडन माक्रम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल से पूरी की। माक्रम पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल में भी काफ़ी अच्छे थे। बचपन में वो दोस्तों के साथ पास के ग्राउंड में जाकर क्रिकेट खेला करते थे। माक्रम की क्रिकेट के प्रति लगन ऐसी थी कि वो दोस्त से बोलते, मैं आज पूरे दिन बल्लेबाजी करूँगा, और दोस्त से कहते, तुम सिर्फ गेंदबाजी करो। साल 2010 में हाई स्कूल के दिनों में उन्होंने क्रिकेट को फुटबॉल पर ज़्यादा प्राथमिकता देना शुरू कर दिया था। क्रिकेट खेलने के साथ साथ माक्रम ने साल 2012 में अपनी स्कूलिंग खत्म की। साल 2013 में उन्होंने टुक्स क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ते रहे। साउथ अफ्रीका और ICC टूर्नामेंट एक दूसरे के विपरीत है। ICC टूर्नामेंट में अगर आप देखें तो दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन हमेशा निराशाजनक ही रहा है। इस टीम की झोली में ICC की छोटी बड़ी कोई भी ट्रॉफी नहीं आई है। लेकिन साल 2014 में एडन माक्रम ने कुछ ऐसा किया जिसे दक्षिण अफ्रीका का कोई भी कप्तान पहले नहीं कर पाया था। साल 2014 में साउथ अफ्रीका पहली बार एडन माक्रम की कप्तानी में ICC अंडर 19 विश्व कप जीतने में सफल रही थी। अंडर 19 विश्व कप 2014 के फाइनल मुकाबले में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और अपनी टीम को खिताबी जीत दिलाने में अहम योगदान निभाया था। इस टूर्नामेंट में माक्रम ने 123.33 के स्ट्राइक रेट से 370 रन ठोक डाले। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के पुरस्कार से भी नवाजा गया था।
आईसीसी अंडर 19 टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर होने के बावजूद भी एडन माक्रम को नेशनल टीम में डेब्यू करने का मौका हासिल नहीं हुआ, बल्कि उनके साथ उसी टीम में साथी खिलाड़ी रहे कगिसो रबाडा और फेलिक वायो को नेशनल टीम से बुलावा आ गया। साथी खिलाड़ियों के नेशनल टीम में चुने जाने से माक्रम निराश नहीं हुए थे, बल्कि ESPN से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था, दरअसल वे खिलाड़ी एक्स फैक्टर खिलाड़ी हैं, मुझे विश्वास है मेरा समय भी जल्द आएगा। एडम माक्रम ने अपने घरेलू क्रिकेट की शुरुआत साल 2014 में नॉर्दर्न की तरफ से की और उन्होंने साल के अंत तक घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखा। माक्रम को साल 2015 में दक्षिण अफ्रीका की T20 कप के लिए टीम में चुना गया था और 2016 में भी उन्होंने बोल्टन क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रतिनिधित्व किया था। एडन माक्रम के लिए साल 2017 काफ़ी सुनहरा साल साबित हुआ था। इसी साल दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ युवा घरेलू खिलाड़ी नामित किया और एडन माक्रम 2017 T20 ग्लोबल लीग टूर्नामेंट में नेल्सन मंडेला बे स्टार्स के लिए खेले, लेकिन कुछ मैचों बाद निजी कारणों से उन्होंने ये प्रतियोगिता बीच में ही छोड़ दी। साल 2017 में ही एडन माक्रम के लिए वो दिन आया जिसे देखने के लिए वो 3 सालों से इंतजार कर रहे थे। उन्हें जून 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अफ्रीकी टीम में चुना गया, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला और वो बेंच पर ही बैठे रहे। सितंबर 2017 में बांग्लादेश के खिलाफ उन्हें एक बार फिर टेस्ट स्क्वाड में चुना गया और इस बार वो शामिल ही नहीं हुए बल्कि खेले भी। 28 सितंबर 2017 को माक्रम ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट डेब्यू किया। अपने टेस्ट डेब्यू की पहली पारी में उन्होंने शानदार 97 रन बनाए। वो सिर्फ 3 रनों से अपना पहला शतक बनाने से चूक गए। डीन एल्गर के साथ उन्होंने 196 रनों की जबरदस्त पार्टनरशिप भी की। माक्रम जब दूसरा टेस्ट खेलने के लिए उतरे तो लगा कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं और क्योंकि इतने प्रतिभावान खिलाड़ी खुद को अब टीम से दूर नहीं रखना चाहता था, इसीलिए उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अपना पहला शतक जमा दिया। माक्रम के बल्ले से 186 गेंदों में 143 रन आए और दिसंबर 2017 में उन्होंने अपना दूसरा टेस्ट शतक भी लगा दिया। वो पहले 3 टेस्ट में 2 शतक लगाने का कारनामा करने वाले पहले साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी बने। अक्टूबर 2017 में बांग्लादेश के खिलाफ ही हाशिम मामला के रिप्लेसमेंट के रूप में माक्रम को वनडे टीम में शामिल किया गया और इस तरह 22 अक्टूबर 2017 को बांग्लादेश के खिलाफ ही एडन माक्रम को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भी पदार्पण करने का मौका मिल गया। अपने डेब्यू वनडे में उन्होंने 66 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली थी और 2 विकेट भी अपने नाम किए थे। माक्रम की बल्लेबाजी अफ्रीकी प्रशंसक और सेलेक्टरों को खूब भा रही थी। माक्रम ने अपने खेल से दीवाना बना दिया था। साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने T20 में 22 मार्च 2019 को श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया। इससे पहले साल 2018 में माक्रम ने अफ्रीकी मंजासी सुपर लीग में भाग लिया था, जहां वो पार्ल रॉक्स की टीम से खेले। यहां भी उनका बल्ला खूब गरजा। मार्च 2019 में एडन माक्रम ने इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट में हैम्पशायर क्रिकेट क्लब के लिए हस्ताक्षर किए और आगे चलकर इसी टीम से काउंटी क्रिकेट खेली। साल 2021 में एडन माक्रम ने IPL में पदार्पण किया, जहां वो किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेलते हुए नजर आए। उन्होंने इस सीजन में 6 मैचों में 146 रन बनाए, लेकिन टाटा IPL 2022 में हुई नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद ने एडन माक्रम को 2.60 करोड़ रुपए में खरीद कर टीम में शामिल किया, जहां उन्होंने 47 की औसत से 14 मैचों में शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए 381 रन बनाए, जिसमें 3 हाफ सेंचुरी भी शामिल है। इस सीजन इनका उच्चतम स्कोर 68 था। दोस्तों, IPL को सबसे अच्छी और रोमांचक लीग माना जाता है और पिछले कई सालों से यह लीग न जाने कितने खिलाड़ियों के लिए फेम पाने का मंच साबित हुई है। IPL के 16वें सीजन की शुरुआत हो चुकी है। इस बार भी 10 टीमें एक चमचमाती ट्रॉफी के लिए जद्दोजहद करती दिखाई दे रही है। IPL के सभी सीजन में कुछ न कुछ नया जरूर देखने को मिलता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही नया देखने को मिला। इस बार IPL की कई टीमों ने अपना कप्तान बदला है और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने इस बार नया कप्तान चुना है। IPL 2023 में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन माक्रम हैदराबाद टीम की कप्तानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि माक्रम ने साउथ अफ्रीका T20 लीग में सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की भी कप्तानी की। साउथ अफ्रीका T20 लीग में सनराइजर्स ईस्टर्न कैप ने पहले सीजन में ही खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में प्रिटोरिया कैपिटल्स और सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के बीच मुकाबला खेला गया। इन दोनों के बीच फाइनल मुकाबले में सनराइजर्स ईस्टर्न कैप ने 4 विकेट से जीत हासिल की। इस लीग में सनराइजर्स ईस्टर्न कैप को चैंपियन बनाने में कप्तान एडन माक्रम का बहुत बड़ा हाथ रहा था। उन्हें मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया।
साउथ अफ्रीका टी20 लीग में माकरम सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी थे और उनका उच्चतम स्कोर 100 रन रहा था। उन्होंने 172.41 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। इसी साउथ अफ्रीका टी20 लीग से प्रभावित होकर आईपीएल की सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें टीम का कप्तान नियुक्त किया। हाल ही में उन्हें साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम का भी कप्तान बनाया गया था। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड एडन माकरम में अपना फ्यूचर का कप्तान देख रही है, इसीलिए सभी की निगाहें उन पर इस बार के आईपीएल सीजन में रहेंगी, खासकर माकरम की कप्तानी पर। 6 फीट 1 इंच के एडन माकरम के छोटे से क्रिकेट करियर की ही बात की जाए तो उन्होंने अभी तक 7 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 57 की औसत से 3 शतक और 2 अर्धशतक की बदौलत 695 रन बनाए हैं। वहीं एक दिवसीय क्रिकेट में भी 7 मैच खेले हैं और 27 की औसत से 193 रन बनाए हैं। अगर माकरम के प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर की बात करें तो 42 मैचों में 47 की औसत से 3103 रन बना चुके हैं, जिसमें 8 शतक और 16 अर्धशतक शामिल हैं। एडन माकरम के आईपीएल करियर पर नज़र डालें तो उन्होंने अभी तक कुल 20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 40 की औसत से 527 रन बनाए हैं, वहीं 2 विकेट भी चटकाए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका टी20 लीग में सनराइजर्स ईस्टर्न कैप को चैंपियन बनाने के बाद क्या अपनी कप्तानी में आईपीएल की सनराइजर्स हैदराबाद टीम को भी आईपीएल चैंपियन बना पाएंगे? इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें अपनी राय वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक और स्टोरी के साथ, एक और खिलाड़ी के साथ। अभी दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।